थे नंद और यशोदा को। सुखदेव जी कहते राजन ध्यान से सुनो, बड़ा गूढ़ तत्व तुमसे कह रहा हूं। आज से 7 जन्म पहले, आज से 7 जन्म पहले यह नंद बाबा और यशोदा एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण के घर में बहुत अपार धन था, कोई कमी नहीं थी। पत्नी भी बहुत प्यारी मिली, देखो भैया जी 600 मिल गए हुए कलयुग में, समझ लियो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है तुम्हारे घर पर। 6 चीजें कहो तुम्हें मिली हुए तो कौन सी? नीति शास्त्र में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अर्थागमो नित्य मरियोगिता चो प्रिया चो भार्या प्रियवादनी चो बसस्य पुत्रार्थ करी चो विद्या सड जीव लोकस सुखानि राज। सबसे पहलो सुख अर्थागमो, रोज घर में पैसा आता हो। दूसरो सुख फिर निरोगी हो काया, अकेले पैसा से कछु नहीं हो तुम्हारा तो ढेर लगो हुए। पैसा आवे और निरोगी हो काया, ऐसे क्या वो आदमी है अपने ही सागर जिले में, उनको खुद नहीं पता कि हमारा जायदाद कितनी है। मनो डॉक्टर ने कह दी मर जाओ, को तेल को बूंदा सारा गौगरे के भीतर तो मर जाओ। आओ ड्राइवर ढाबा पे गाड़ी लगा के 8 तंदूरी खा रहा हूं, पैसा दे रहा है मालक, और जब मालक को नंबर आओ सो मूंग की दार कपड़ा में निचो के पिया रहा ड्राइवर मालक को, तो तुमसे सुखी तो तुम्हारा ड्राइवर कहा हो, जा जा तुम्हारी खा रहा हूं वो। पहला सुख धन आवे, दूसरा सुख निरोगी हो काया, तीसरो सुख अच्छे लोगों में हो उठवो बैठवो। दुष्ट आदमी की दोस्ती भी खराब और दुश्मनी भी खराब। दुष्ट आदमी होते आगी घाई, अगर जलत में उठे हो तो हाथ जल जे और बुझे में उठे हो तो हाथ कर गया पर जे, तो दोस्ती भी खराब और दुश्मनी भी खराब। दूर रहो अच्छे लोगों में उठो बैठो। और चौथो सुख आए कहूं घरवारी अच्छी बोलवे बारी और मिल जाए। हाँ जा भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा जानी, न कितना तुम्हारा रुपया हो, कितना तुम स्वस्थ हो और कितना अच्छे आदमों में बैठत हो। कहूं घरवारी अपनी पे आ जाए तो तुम कभी कमाई जा जाते नहीं खा सकता, वो बेचारो दिन भर को हारो थको, घरे आओ के 2 रोटी खा के सुख से सोए। अच्छा जी भी बिल्कुल दुख साधे रहे, जान गई कि उन्हें कोरा उठाओ और मुंह के पहुंचाई जाओ तो कोरा बगल में बैठ गई, अभी को हाथ रह गो मई की मई कुछ ने कहा भाई बन गई। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा मुंह देखो ना 5 ही लगा लेते, अब खा ले तुम्हारे बाप का दम हो तो 56 भोग धनेरी में तुम्हारे घरे तो ये चाहे तो कमी कमाई जा जा तो नहीं खा सका तुम। साची आए कि नहीं? हाँ अभी हला रहे मुड़ के, गुरु जी तुमने अके पाई आज, आज तक को नहीं के पाओ जवाब। नहीं नहीं अरे महाराज जी तुम्हें का पता दद्दा, अब तो हम और बीत रही सही कर रहे, आप बिल्कुल अच्छे आ हो, भगवान की बहुत बड़ी कृपाया है बाबा जी, हमें तुम तनक पेल मिल गए होते तुम यहाँ हम होते, अब बिदाई गए ज्यादा कछ में कहीं यहाँ लाइव चल रहा हूँ ना हमारे घरे और सुन रही हूँ तो हम तुम्हारी संग हो जाते। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
पांचवा सुख संतान हो आज्ञाकारी। हाँ, जिसकी औलाद अच्छी गली भर जा रही हो, समझ लियो बहुत बड़े आदमियां हो तुम। छठवा सुख धन कमाने वाली विद्या। तो ब्राह्मण के घर में अपार संपत्ति थी, कोई पारावार नहीं था। पत्नी बड़ी कुलीन थी, पर पंडित जी को एक बहुत अच्छी आदत पड़ी थी कि जब पत्नी भोजन की थाली लगा देती थी तो पंडित जी घर के बाहर आ जाते थे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, और उस वक्त जो भी निकलता था पंडित जी हाथ जोड़ के कहते भैया भोजन कर ले। वो कहे नहीं पंडित जी, हम तो खा के आए। पंडित जी इतने प्यार से कहवे कि वो खावे बैठ जाए। आदमी सिर्फ दो जगह भोजन करत है, तीसरी जगह को रोटी नहीं खाता। वो दो जगह कहां? पहला, भूख बहुत तेज लगी हो, अब सामने वालों का ही चाहने का है, हम तो खे हैं। और दूसरा, भूख बिल्कुल ना लगी हो पर खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि सामने वालों बिना इच्छा के भी रोटी खावे बैठ जाता। या तो भूख बहुत तेज लगी हो या खिलाने वाले का भाव बहुत अच्छा हो। पंडित जी इतने भाव से कहते, इतने भाव से कहते कि आदमी ना चाहे के भी रोटी खाने बैठ जाता। अच्छा, पंडित जी ऐसा क्यों करते हैं? पंडित जी ऐसा इसलिए करते हैं, पंडित जी जानते हैं कि बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना, बांट कर खाना और बैकुंठ जाना, उस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। कोर्था पुत्रेण जाते नो यो न विद्वान धार्मिका कथंचित चादुर भरा कि न हसु कर सावका। उस व्यक्ति के जीवन का कोई मतलब नहीं कि जन्म लिया अपना पेट भरा और मर गया। इतना काम तो सुअर ने भिष्टा खा के कर लिया, अगर तुमने भी अपना पेट भर लिया तो तुम्हारे और सुअर के जन्म में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं तुम्हारे और सुअर के जन्म में। पंडित जी जानते हैं इस बात को कि बांट कर खाना बैकुंठ जाना। और महाराज जी, मलूकदास जी ने तो इतनी प्यारी बात कही है। मलूकदास जी से किसी ने पूछा कि भगवान के भक्त की निशानी क्या है? मलूकदास जी इतनी प्यारी बात कह रहे हैं भगवान को भक्त को आए के भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी और हरि भक्तन की यही है निशानी। शास्त्रों में लिखा है कि भूखे को भोजन दो, और हम लोग पता क्या करते हैं? अबे हमें चले जान दे टीला में कोह के घर है, बिल्कुल काजू किसमस लाएं। गुरु जी तन्ना, गुरु जी गुरु जी, हमने कहा काजू किसमस नहीं खाए, हम भूखा मर रहा है। बोलो, हमारे लिए काजू किसमस रखोगे, पर अगर दो दिन का भूखा तुम्हारे घर के दरवाजे आ जाएगा तो तुम्हें दो रोटी देने में इतराज होगा। हम जैसों को खिला पाओ चाहे ना खिला पाओ, पर अगर दरवाजे कोई भूखा आ जाए तो उसको दो रोटी जरूर देना। ये मलूकदास जी के शब्द है कि भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी हरि भक्तन की यही है निशानी। और मलूकदास जी कह रहे कि दूवा साथी संतन मारे, अगर जो भूखे को रोटी देत हुए और प्यासे को पानी पियात हुए, अगर वो दूबा की लकड़िया मार देवे। अब दूबा की कितनी सी लकड़िया बने कितनी पतरी, बागर को मार दी जाए। तो मलूकदास जी कह रहे के दूबा साथी संतन मारे तो चक्र सुदर्शन ताको जा रहे।
भगवान को चक्र सुदर्शन जला दे वो आदमी। भगवान ने अगर आपको दिया है तो दो, दिया है तो दो, और ब्राह्मण देवता इसलिए अन्नदान करते हैं। श्री शिव महापुराण में लिखा है कि अगर मनुष्य तन मिला है तो 12 दान जरूर करियो अपनी जिंदगी में। अगर तुम्हें मनुष्य तन मिलो है तो 12 दान जरूर करके जाइयो। हम ऐसे नहीं बता रहे कि हमें दे दियो, हमें कुछ नहीं चाहने को उनसे। हमें बाबा जी जानत, हम एक नंबर के पगला हैं, हमें कोई उसे कच्छू नहीं चाहने, हमें तो इनसे नहीं चाहने, तुम्हारों से तो चाय नहीं खाए। वे भी सुन रहे हैं, हमने इनसे भी आज तक कछु नहीं मांगो। वे बैठे ठाकुर जी, इनसे सिर्फ एक ही चीज मांगा थे कि अपनी कथा करवात रहियो बस, ने पैसा ने सम्मान ने धन ने दौलत कुछ नहीं चाहने। तुम्हारों से मांग भी की परीक्षा ही नहीं है। इन 22 साल में अभी तक कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि विपिन बिहारी ने मुझसे 1 रुपया मांग लिया हो विदाई में। 1 रुपया 22 साल में। आप एक आदमी पकड़ के लाना कि मैंने 22 साल में लगभग 1200 कथाएं कर चुका हूं, कोई एक व्यक्ति ये कह दे कि गुरुजी ने हमसे इतनी की ठहर करके आए थे। यहां नहीं कहीं चला जाऊं, क्योंकि पैसा मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है।